हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मीत। आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज आज हम एक नहीं दो लेटेस्ट नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें एक आ गया है LIC की तरफ से और एक नोटिफिकेशन आया है फूड डिपार्टमेंट की तरफ से। दोनों के लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं, चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो। सो किस तरह अप्लाई करना है, क्या क्या रहने वाली है एलिजिबिलिटी, ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। वीडियो को कम्प्लीट ज़रूर देखना। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, इसी तरह से चाहते हैं हर एक नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के साथ, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। बाकी इस रिक्रूटमेंट के अलावा काफ़ी सारी नई डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आ चुकी हैं, जिसमें आप अपनी क्वालिफिकेशन अपनी डिस्ट्रिक्ट सिटी या टाउन के अकॉर्डिंगली हमारी ऑफिशियल साइट www.clory.com पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर मिल जाएगा। और वहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाती है सब्सक्राइब करने के लिए, आप अपनी ईमेल आईडी मेंशन करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, उससे आपको ऑटोमेटिकली ईमेल आ जाए करेगी, चाहे एडमिट कार्ड से रिलेटेड अपडेट हो, रिजल्ट, एग्ज़ाम डेट, इवन जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आते हैं प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों डिपार्टमेंट के, तो आपको ऑटोमेटिकली ईमेल आ जाए करेगी जब भी मैं कोई नया अपडेट वहाँ पर अपडेट करूँगी। चलिए अब हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट की। सबसे पहले बात करेंगे फूड डिपार्टमेंट की नोटिफिकेशन की, देन डिस्कस करेंगे LIC का जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में। जो LIC का नोटिफिकेशन है उसके लिए सारे कैंडिडेट एलिजिबल हैं, फूड डिपार्टमेंट का जो नोटिफिकेशन है उसके लिए भी सारे कैंडिडेट एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं, और जॉब लोकेशन आपकी अक्रॉस इंडिया रहने वाली है। सो किस तरह अप्लाई करना है पहले वही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो फूड डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन है उसके बारे में। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लाइक करते हैं इससे मोटिवेशन मिलता है, इससे मेरा और मन करता है मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वैकेंसीज लेकर आऊँ। अभी हम फर्स्ट नोटिफिकेशन की बात करें जो कि फूड डिपार्टमेंट का आ चुका है। इसके लिए थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देती हूँ अप्लाई किस तरह से करना है। ऑनलाइन आपको दोनों नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है। जब आपने फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है जो कि फूड डिपार्टमेंट का है, डिस्क्रिप्शन में आपको जाकर मिल जाएगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे लास्ट में आपको मिल जाते हैं इंपॉर्टेंट लिंक। इंपॉर्टेंट लिंक में जो फर्स्ट आपको लिंक मिलेगा वो मिलेगा फूड डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2021 का, अप्लाई ऑनलाइन का फर्स्ट लिंक मिलेगा। सेकंड आपको मिल जाएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF का। अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे वो आपको ऑफिशियल साइट पर रिडायरेक्ट कर देगा। उसमें आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन मस्ट है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी सिंपली आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करके आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करते वक्त आपको अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, फादर नेम, आपका एड्रेस कहाँ का है, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, कब आपने पास आउट किया एंड अदर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो भी होगी वो आपको फिल करनी होगी। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। फर्स्ट नोटिफिकेशन की ही अभी हम बात करें जो कि फूड डिपार्टमेंट का है। जॉब लोकेशन आपकी अक्रॉस इंडिया रहने वाली है, सो इंडिया में किसी भी सिटी या स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर और सैलरी क्या रहने वाली है। इसमें आपकी जो सैलरी है 50,000 से 1,80,000 पर मंथ रहने वाली है। सारे कैंडिडेट आप में से एलिजिबल होने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैकेंसीज कौन कौन सी इसमें आउट की गई है। तो इस बार जो वैकेंसीज आउट हुई है फूड डिपार्टमेंट की तरह से वो है असिस्टेंट जनरल मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, असिस्टेंट जनरल मैनेजर टेक्निकल के लिए, असिस्टेंट जनरल मैनेजर अकाउंट्स के लिए है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर लॉ के लिए वैकेंसीज आउट हुई है। इवन MO की वैकेंसीज भी है जो उन्होंने इस बार आउट किया और अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है, जो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है। फूड डिपार्टमेंट की नोटिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। इसमें आपका पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, उसके बाद आपके इंटरव्यू होने वाली है, उसी के बेसिस पे सिलेक्शन होगी आपकी इन वैकेंसीज के लिए। और जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया आपकी रहने वाली है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी क्लियर किया है। नेक्स्ट बात आती है एप्लीकेशन फ़ी की। जो फूड डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन है, अगर आप फीमेल कैंडिडेट है, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको किसी टाइप की कोई फ़ी पे नहीं करनी है। इसी के साथ SC ST PWD एंड एक्स सर्विस मैन अगर अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए भी कोई फ़ी नहीं है। जनरल एंड OBC के लिए है सिर्फ 1,000 रुपीज़, और जनरल OBC के मेल कैंडिडेट के लिए ही ये वैकेंसीज के लिए ये सिर्फ फ़ी है, फीमेल के लिए नहीं है, और आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है जो फूड डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन है वो किसने आउट किया है। तो ये जो नोटिफिकेशन है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने आउट किया है, हमेशा की तरह। जॉब लोकेशन आपकी अक्रॉस इंडिया रहने वाली है। जो पहले नोटिफिकेशन की अभी हम बात करें, जो फूड डिपार्टमेंट का है, आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है रेलिवेंट डिसिप्लिन में, आप इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट बात आती है इम्पॉर्टेंट डेट्स की। अप्लाई करना इन वैकेंसीज के लिए स्टार्ट हो चुका है। अब हम बात करते हैं सेकंड नोटिफिकेशन की, जो कि LIC की तरफ से आ चुका है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। कोई एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, कोई एप्लीकेशन की फ़ी आपको पे नहीं करनी है। सबसे पहले बात करते हैं अप्लाई इन वैकेंसीज के लिए आपको किस तरह से करना है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, सेकेंड वाला LIC का। आपने उस पर क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे, लास्ट में आपको मिल जाते हैं इंपॉर्टेंट लिंक। इम्पॉर्टेंट लिंक में फर्स्ट जो आपको लिंक मिलेगा वो मिलेगा LIC रिक्रूटमेंट 2021 अप्लाई ऑनलाइन का। आप उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको ये ऑफिशियल साइट पर इनके रिडायरेक्ट कर देगा, जहाँ पर इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी वहीं पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। वहीं पर ही आपको ऑप्शन मिल जाती है अप्लाई नाउ के। अप्लाई नाउ पे जब आपने क्लिक करना है, आपके पास एक नया इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करने को बोलेगा। वहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेप जो है वो रजिस्ट्रेशन रहेगा। फ़ी कोई नहीं है, बिल्कुल फ्री में आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड आपका स्टेप रहेगा वो है अप्लाई ऑनलाइन का। अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पे क्लिक करके आपको अप्लाई करना है। सिंपली अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, फादर नेम, परमानेंट एड्रेस क्या है आपका, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, इसके अलावा जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको सिंपली फिल करके सबमिट कर देना है। अब हम बात करते हैं कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल होने वाले हैं, सैलरी क्या रहने वाली है, कौन कौन सी वैकेंसीज आउट हुई हैं। अभी हम बात कर रहे हैं LIC की रिक्रूटमेंट की, जिसमें आपके सारे मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है वो मैंने आपको बता ही दिया है। इसी स्टेप को फॉलो करते हुए आपको इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर लेना है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसीज आई हुई है, जिसमें आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 12,000 से 20,000 पर मंथ रहने वाली है। सारे के सारे मेल एंड फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, सारे के सारे मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। आपकी एज मिनिमम 18 है, आप अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 65, और एज़ पर नॉर्म्स रिलैक्सेशन मिल सकता है, जो रिक्वायर्ड होगा उनको मिल सकता है। वैसे जो एज लिमिट है वो 18 to 65 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। एप्लीकेशन फ़ी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, OBC, SC, ST एंड अदर्स, किसी को किसी टाइप की कोई फ़ी पे नहीं करनी है। बिल्कुल फ्री में आपको अप्लाई करना है, जो स्टेप मैंने आपको बताई है उन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर्ड है। आपने 12th पास की हुई है, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या इंस्टीट्यूट से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ग्रेजुएट कैंडिडेट या पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो 12th पास ही है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है। और नेक्स्ट बात आती है ये पोस्ट है कौन सी। तो ये जो पोस्ट आउट हुई है, इसमें आपको सैलरी तो मिलेगी 12,000 से 20,000। इसके अलावा एज़ पर नॉर्म्स जो भी इनकी अलग अलग स्लैब्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको इंसेंटिव भी पे किया जाएगा, जो भी बनता होगा स्लैब्स के अकॉर्डिंगली। जो वैकेंसीज हैं वो एजेंट की आउट हुई हैं। जो LIC का नोटिफिकेशन है, इसके लिए जो आपकी जॉब लोकेशन है वो उत्तर प्रदेश रहने वाली है। अगर एलिजिबल है, अप्लाई आपने ज़रूर करना है इन वैकेंसीज के लिए। लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, FCI का भी और LIC का भी। और यहीं पे वीडियोस ख़त्म नहीं हो जाती, बहुत सारे नए नोटिफिकेशन आए हुए हैं। एक नोटिफिकेशन बहुत बढ़िया आ चुका है, नेक्स्ट हम उसी के बारे में बात करेंगे, जो मॉर्निंग में कल वीडियो आएगी। उसके लिए भी आप तैयार रहना, उसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट एलिजिबल होने वाले हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हुई है। हमारी ऑफिशियल साइट है www.clory.com पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।